नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 6 ए एंड मास ए एटम लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, टू पॉइंट मासेस एम एंड टू एम मूविंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द स्पीड ऑफ टू वी एंड वी स्ट्राइक द बॉल एज शोन इन द फिगर एंड स्टिक टू द बार आफ्टर कोलिजन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट में हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। क्या रहे पूरे इसकी डिस्टेंस क्या है, सिग रोड की 6a है, ओके लेंथ 6a है, मास 8 है, लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये एक बार है, इसकी लेंथ तो टोटल 6a है और मास इसका 8 एम है, 2m की बॉल, 2m की बॉल v की स्पीड से इसके ऊपर टकरा रही है और एक m की बॉल 2v की स्पीड से इसके ऊपर टकरा रही है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो p इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इनिशियल तो इसकी क्या हो जाएगी mv यानी 2m इंटू वी प्लस इसकी कितना जगह m इंटू 2v प्लस प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में क्या है रेस्ट में तो इक्वल टू कॉमन कितना हो जाएगा इसका मास 8 इसका है 2 और m तो 11 m vc कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2m यानी कि 4mv इक्वल टू क्या हो गया 11 m vc m से m कैंसिल तो 4 वी इक्वल टू क्या हो गया 11 एम सी 11 वी सी तो वी सी हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये कितना होगी नेगेटिव तो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू 11 एम वी सी तो वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड ओके क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है अपोजिट टू ग्रेविटी तो ये क्या हो जाएगी ये क्या होगी हमारे पास 2m इंटू वी ओके तो नेगेटिव नेक्स्ट पार्ट क्योंकि ये क्या घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या घूमेगी क्लॉकवाइज ओके देन एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर वेलोसिटी बतानी है अबाउट सेंटर ऑफ मास के सेकेंड पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास तो L इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास L फाइनल L इनिशियल इक्वल टू एम वी आर इसका तो M कितने हमारे पास 2m v r 2a एम वी आर प्लस m इंटू 2v इंटू r कितना है हमारे पास 2a सेंटर से कितनी डिस्टेंस है 2a प्लस स्टार्टिंग में क्या है रेस्ट में इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा एम आर स्केयर प्लस रोड का कितना आ जाएगा हमारे पास एम एल स्केयर डिवाइड बाई 12 और तीनों का क्या हो जाएगा ओमेगा कॉमन 4mv प्लस 4mva इक्वल टू क्या आ जाएगा मास कितना है 2m आर हमारे पास 2a तो 2a इंटू 2a प्लस मास कितना है m इंटू 2a इंटू 2a प्लस मास 8m इंटू l कितना है 6a का स्केयर डिवाइड बाय में 12 और तीनों का ओमेगा कॉमन तो 8m va इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8m a का स्केयर प्लस 4MA का स्केयर वो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24MA का स्केयर ओमेगा कॉमन 8MVA इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 30MA स्केयर ओमेगा कॉमन 30MA स्केयर ओमेगा कॉमन M से M कैंसिल A के से क्या हो गया A के कैंसिल तो ओमेगा कॉमन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8 बाय में 30 8 बाय में 30 ए 8 बी बाय में 30 ए ये आ गया हमारे पास
सेंटर से कितना है, ए की डिस्टेंस पे है, तो ये क्या देगा 2 mb, यानी कि 6 mb आएगा ये। ओके, तो 6b डिवाइड बाय में, ये क्या आ गया हमारे पास ओमेगा कॉमन, वी बाय में 5 है, ये क्या आएगा हमारे पास क्लॉकवाइज। अब हमें थर्ड पार्ट में पूछा गया टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी हमें आफ्टर कोलिजन और लॉस इन एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या देगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई कितना है हमारे पास 30 mv स्क्वायर इंटू ओमेगा वी बाय में 5 a का स्क्वायर, तो 50 mv स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, तो 3 mv स्क्वायर डिवाइड बाय में 5। ये क्या आ गया हमारे पास 3 mv स्क्वायर डिवाइड बाय में 5 हमारे पास क्या आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फोर्थ पार्ट में पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास ये है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ इंटू 2 mv इंटू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू 2v का स्क्वायर प्लस 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल mv स्क्वायर 2 mv स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 mv स्क्वायर आ गया हमारे पास काइनेटिक। तो लॉस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि 3 mv स्क्वायर डिवाइड बाय में 5 माइनस 3 mv स्क्वायर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हमारे पास 12 बाय में 5 mv स्क्वायर, दैट इज द आंसर।